तो बाइनोमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सावधान रहिए, स्कैम ही लगता है मेरे को। और ये शर्ती है, इन्होंने बहुत बंदों के साथ किया होगा, क्योंकि आप एक वेरिफिकेशन करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 आवर्स में हो जानी चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स भी मिलाएंगे, अगर वो मैसेज करते हैं ईमेल पे कि आपका अकाउंट फ्रॉड और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है, और उसमें जो भी बैलेंस होगा वो हम रख रहे हैं क्योंकि कंपनी को डैमेजेस हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते होंगे, तो बिनोमो ऐप है ट्रेडिंग का, जहां पर आप बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी कमा सकते हैं। लेकिन अब उस पे बहुत सारे स्कैम सामने आए हैं, तो इसी स्कैम का खुलासा आज करने जा रहे हैं साहिल जी। आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ भी एक फ्रॉड सामने आया है बिनोमो ऐप का, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्कैम है। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। तो क्या हुआ है आपके साथ? सर, ये पिछली फरवरी की बात है, मैंने किसी फेमस यूट्यूबर में यूट्यूबर को देखा कि वो बाइनोमो की काफ़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो कहते हैं पैसा कमाना है, वो जल्दी से 7,000 की ट्रेड लगाते हैं और 12,000-13,000 उनके पास आ जाता है। तो मैंने सोचा पहले 3,500 से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले जीता, मैं एकदम अनप्रोफेशनल था, कुछ भी मेरे को नहीं आता था, मैं तुक्केबाजी करता था। मैं हारा भी, मैं जीता भी। फिर मैंने देखा कि ये बोनस दे रहे हैं, मैंने एक बारी फिर लिया, 25,000 डिपॉजिट करवाए। आप बता सकते हैं बिनोमो पर ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है? अब तो आपको आ गया होगा उसके बाद तो। सर, ये बाइनोमो में बाइनरी ट्रेडिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि ये फिक्स टाइम के लिए होती है। आपने एक मिनट के लिए लिया है, 5 मिनट, 1 घंटा, तो इस 1 घंटे में या फिर आप जीत जाओगे या फिर आप हार जाओगे अपने पैसे। और इनका मार्जिन भी वेरी करता है, 30% to 85%। और अगर आप VIP कस्टमर हैं तो कभी कभी वीक में एक या दो बार आपको 90% के भी एसेट्स मिल जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रिप्टो IDX, उसमें 85% की प्रॉफिट मिलता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता, बाकी सारे एसेट्स में आप अप्स डाउन होते रहते हैं परसेंटेज। क्रिप्टो IDX सबसे मतलब एक फिक्स दिया है आपको, 24/7 आप उस पर कर सकते हैं। तो मैंने एक बारी 25,000 डिपॉजिट कराए तो मुझे अराउंड उसका 40% आप ले लीजिए, 10,000 अराउंड मुझे बोनस मिला। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा फटाफट इसे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आप जितना भी बाइनोमो में डिपॉजिट करवाएंगे, अगर आप 25,000 कर रहे हैं तो आपको 25,000 की ट्रेड जब तक आप टर्नओवर करेंगे उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा 35,000 है, 35,000 की ट्रेड करते हैं। जब मैंने कर ली, मेरा प्रॉफिट अराउंड हो गया 50,000। मतलब 35,000 लगाए थे और 50,000 हो गए। फिर जब मैं विड्रॉ करने गया, उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क डाल के क्वेरी डाल दी कि आपने बोनस लिया है तो आप हमारा टर्नओवर कंप्लीट कीजिए। और टर्नओवर डिपेंड करता है आपने कितने परसेंट बोनस लिया है, 30% की अराउंड 35 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाता है, 40% का अराउंड 40 से मल्टीप्लाई होता है, और अगर आप 100% या 150% लेते हैं, जो लोग जनरली ले लेते हैं लालच में आके, उसका मल्टीप्लाई बाय 41 होता है। तो ये हो जाती है 20-25 हज़ार पे अगर आप बोनस ले लेते हैं, तो ये लाखों में टर्नओवर पहुंच जाती है, मिलियंस में ही पहुंच जाती है, जो हम जैसे इंसान कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि आप कब से खेल रहे थे? सर, ये अराउंड 10-11 मंथ्स हो गए। तो अब लास्ट मंथ क्या हुआ, 23 दिसंबर को, 23rd या 22nd अराउंड, इन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिया वेरिफिकेशन, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। मैंने कहा ठीक है। तो इनका वेरीफाई होता है 10 से 30 वर्किंग डेज में। तो मैं इन्हें बीच में कंटिन्यूअस मैसेज करता रहा, मैं कहा कितना टाइम लगेगा, आप क्या कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ अपडेट तो दीजिए या फिर मेरे एडवाइज़र से कॉल कीजिए, क्योंकि आप बाइनोमो में जितना पैसा डिपॉजिट करेंगे आपका अकाउंट डायमंड गोल्ड पे हो जाता है, तो आपको एडवाइज़र मिलता है। ना एडवाइज़र ने कॉल किया, ना इन्होंने मुझे कोई गुड इनफ रीज़न दिया। तो मैं कंटिन्यूअस, मैं गुस्से से भी बोला, इन्हें प्यार से ही पूछा, नॉर्मली भी पूछा। तो अब ये 18 तारीख के आसपास मेरे को मैसेज करते हैं ईमेल पे कि आपका अकाउंट फ्रॉड और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है, और उसमें जो भी बैलेंस होगा वो हम रख रहे हैं क्योंकि कंपनी को डैमेजेस हुए हैं उस चीज़ से।
मैंने इनसे सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से फ़ोन पे एक बार डिस्कस कीजिए या फिर ईमेल पे कीजिए। इनका कोई जवाब नहीं आया, सेम आंसर, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, आपने क्लाइंट एग्रीमेंट के ये क्लॉजेज वो किए हैं, आपने गलत फ़ायदा उठाया। तो कॉल पे वो नहीं क्लियर नहीं करते या किसी तरह क्लियर नहीं किया जाता कि वो रीज़न क्या था? सर कोई कॉल पे कुछ नहीं क्लियर किया, मैंने कहा एडवाइज़र से मेरे को कॉल कराइए, एडवाइज़र को रिक्वेस्ट डाले हुए, मेरे को एक महीने से ऊपर हो गया, एडवाइज़र भी नहीं कॉल करता ना, ईमेल पे जवाब दे रहे हैं। अब 3-4 दिन पहले एक नया इनका ईमेल आया है, हम ये आपकी कंप्लेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप 10 से 20 वर्किंग डेज फिर से रुकिए। लेकिन कोई इनका गुड इनफ रीज़न नहीं आया। मैं सिर्फ सच्चाई की खोज के माध्यम से आपको यही सब बताना चाह रहा हूँ कि जो जो बाइनोमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं ये सावधान रहिए, अभी अपना कभी भी अपना बैलेंस हायर साइड पे मत रखिए, जितना कम से कम हो सकता है कम रखिए, क्योंकि अगर बाइनोमो आपका अकाउंट ब्लॉक भी करता है तो आपका बैलेंस ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि वो आपको कोई रीज़न नहीं देगा कि आपकी कौन सी फ्रॉड ट्रांजेक्शन है कौन सा है, सीधा अकाउंट ब्लॉक करके बैलेंस अपने पास रख लेगा। आप लोगों ने जनरली YouTube पे भी देखा होगा कि पब्लिक बोलती है कि आपका बैलेंस ज़्यादा रहे ताकि आप अपना लॉस कवर कर सकें क्योंकि आपके पास ज़्यादा चांसेस रहें, ये सब बकवास है, कुछ मत कीजिए। अगर आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फटाफट तो नहीं, धीरे धीरे अपना बैलेंस रिकवर कीजिए, फिर आप प्रॉफिट पे खेलिए, क्योंकि और बोनस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बोनस के झांसे में लोग जनरली आ जाते हैं, 150% बोनस, ये सब तरीके मैं आजमा चुका हूँ और अपने पैसे काफ़ी लूज कर चुका हूँ। तो ये जो आपके साथ हुआ है, आपके कहने का मतलब फ्रीज हो गया, तो आपको इसमें क्या नज़र आया बिनोमो की तरफ से, ये उन्होंने क्या किया है, ये क्या स्कैम है या कोई फ्रॉड है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको इसमें क्या लगता है? सर ये स्कैम ही लगता है मेरे को, और ये शर्तियाँ इन्होंने बहुत बंदों के साथ किया होगा, क्योंकि आप एक वेरिफिकेशन करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 आवर्स में हो जानी चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स भी मिलाएंगे, अगर हम कोई भी नया कार्ड या नया अकाउंट यूज़ करते हैं तब वेरिफिकेशन होती है इनकी, जो जेन्युइन है, आप 48 आवर्स में उसे कंप्लीट कीजिए। एक ट्रेडर सर क्या फ्रॉड कर सकता है, पैसे अपने डिपॉजिट करवाएगा, ट्रेड जीता तो विड्रॉ करेगा, हारा तो उसकी मर्जी, दोबारा डिपॉजिट करे ना करे, इसमें फ्रॉड कहाँ होगा, कहीं भी नहीं है सर। फेक एलिगेशन लगाई गई। हाँ जी। तो अगर एक सवाल और है कि अगर ये ऐसी जो ऐप्स हैं जिन पे ये ट्रेडिंग की जाती है, क्या ये सेफ है खेलना, आप क्या बोलना चाहोगे जनता को इस बारे में? सर मैं तो यही कहूँगा, बाकी सारी ऐप्स का तो नहीं, मेरे को बाइनोमो का काफ़ी एक 11 महीने का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये जानना ये बताना चाहता हूँ कि बाइनोमो पे कभी भी आप ट्रेडिंग करें, मैं मना नहीं करता, ट्रेडिंग करें तो अपना बैलेंस कम से कम रखें, और मैं साथ में एक बाइनोमो की एक ये तारीफ भी करूंगा, लेकिन वो यूज़र फ्रेंडली है, आप बाकी सारी ट्रेडिंग ऐप्स को भी ले लीजिए, ऑक्टा एफएक्स, ओलम ट्रेड, ये यूज़र फ्रेंडली है, बट लेकिन इनका ये स्कैम भी है, तो इसलिए आप सब ध्यान रखिए, अपना बैलेंस कम से कम रखिए अगर आप बाइनोमो पे कर भी रहे हैं, जो ये आप लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि कई लोगों का मैंने रियल अकाउंट में चेक किया 2 लाख 5 लाख होते हैं, वो कोई वर्थ नहीं है, आप अपना सारा विड्रॉ कीजिए, जितना आप कर रहे हैं डेली विड्रॉ कीजिए, 2 डेज या वीकली आप विड्रॉ करते रहिए, इनके पास बैलेंस छोड़ने का कोई भी वो नहीं है, मतलब बंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज। तो आपने देखा कि साहिल जी के साथ क्या हुआ, इनोमो पर ट्रेडिंग किया करते थे और अब इनका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया है, तो इनके कहने का मतलब यही है अगर आप इस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट उसमें ना रखें, क्योंकि ये तो बच गए, क्योंकि इनके अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर आपको भी ऐसा होता है कि आपको भी जैसे इनके साथ हुआ कि फ्रॉड एलिगेशन लगाई जा रही है, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो एक सेफ जोन रखें कि कम पैसा उसमें रखें, या और आप कोशिश करें कि इन सब वेबसाइटों से थोड़ा बचें, क्योंकि थोड़ा अगर आप खेलना ही चाहते हैं तो इन सब के बारे में पूरी तरह जान लें किस तरह खेला जाता है, एक नौसिखे की तरह इसको ना खेलें, जैसा कि इन्होंने पूरा वीडियो में बता चुके हैं किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इससे काफ़ी हद तक अवेयर हुए होंगे। अगर आप अवेयर हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी जान पाएं जो कि ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के बिल्कुल सतर्कता से ट्रेडिंग करें, थोड़ा पैसा लगाएं, ज़्यादा कमाएं, लेकिन ज़्यादा पैसा उसमें ना रखें।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें ऐसे ही, और ऐसे ही हम आपके लिए सच्चाई की खोज करते रहें। सत्यमेव जयते।